जो मनुष्य सच्चे हृदय से भक्ति के साथ भगवती का स्मरण करते हैं उनकी सब प्रकार से वृद्धि होती है। और हे देवी, तुम्हारा जो स्मरण करते हैं उनका तुम अवश्य कल्याण। हे पंडित, अपने बेटे शंकर को कहां छिपा रखा है? छुपा रखा है? हाँ, वो पुलिस से फरार हो गया है। लेकिन उसका गुनाह क्या है? वो सरहदी इलाकों के फौजी राज विदेशों में बेचता है। आप कैसी बातें करते हैं दरोगा जी, मेरा बेटा तो मशहूर गायक है जो कव्वाली, भजन और गजल गाकर किसी तरह अपनी रोजी कमाता है। हाँ, और उसी की आड़ लेकर आते जाते स्मगलिंग करता है। नहीं नहीं दरोगा जी, मैं देवी माँ की कसम खाकर कहता हूँ, मेरा बेटा कोई गैर कानूनी काम नहीं करता। तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं पुठे? बता कहाँ है वो? बता, नहीं तो यही मैं अभी बलि चढ़ा दूंगा तुझे। छोड़ दो इन्हें। मंदिर में हाथ जोड़े जाते हैं, हाथ उठाया नहीं जाता। इंस्पेक्टर, कानून की आड़ में किसी बूढ़े को धमकी देना बहादुरी नहीं, बुज़दिली है। गिरफ्तार कर लो इसे। ऐसा मत कीजिए इंस्पेक्टर साहब, ये नाइंसाफी। पिताजी, किसी रिश्वतखोर ऑफिसर के सामने हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं। ये मुझे किसी जुर्म में नहीं बल्कि ठाकुर हंसराज के दरबार में ना गाने के जुर्म में मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं। बेटा, 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 बेटा। पीछे हट बुढ़े, दो साल ये अंदर रहेगा ना, गाना तो क्या बोलती बंद हो जाएगी इसकी। चलो। बसबू जुर्म दफा 121 अलिफ ताजी रात हिंद, मुल्जिम शंकर कव्वाल को 2 साल कैद सख्त का हुक्म देती है। छूटने के बाद ये शंकर, शंकर भगवान के गले का नाक बनकर तुझसे मिलने आएगा। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो जिसने मेरे बेटे को जख्मी करके अस्पताल पहुंचा दिया है और खुद यहां छिपा बैठा है। छिपते बुजदिल और कायर होंगे हम नहीं, समझे? तुम्हारे बेटे को तो सिर्फ अस्पताल पहुंचाया है कंस मामा, उसकी जगह कहीं तुम होते ना तो तुम्हारी बत्तीसी हाथ में देकर शमशान घाट पहुंचा देता। इंस्पेक्टर साहब, मुझे एक बात कह लेने दीजिए। तुम्हें जो कुछ कहना है अदालत में कहना, इसे हथकड़ी लगा के जीप में डाल दो। नहीं, नहीं। इंस्पेक्टर साहब, एक दरख्वास्त थी आपसे, इस लड़की से किया हुआ वादा मुझे निभा लेने दीजिए। मुझे आज इसी वक्त मंदिर में इस लड़की से शादी कर लेने दीजिए, उसके बाद आप जो कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूं। हाँ हाँ, ससुराल ही तो ले जाने आए हैं तुम्हें, क्यों? बिल्कुल ठाकुर साहब, उसके बाद शादी के मंत्र अदालत में पढ़े जाएंगे। ले चलो इसे, ले जाओ। सबूत के गवाहों के बयानात सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिम गंगा प्रसाद ने कानून को अपने हाथों में लेकर शक्ति सिंह को बुरी तरह जख्मी किया, लिहाजा अदालत बसबूत जुर्म दफा 326 ताजी रात हिंद, मुल्जिम गंगा प्रसाद को 2 साल कैद सख्त का हुक्म देती है। चलो हट। कंस मामा, यू समझ मुझे 2 साल की सजा नहीं, तुझे 2 साल की जिंदगी और मिल गई। जेल से छूटने के बाद अगर तुझे नरक के दरवाजे तक नहीं पहुंचाया तो मेरा नाम भी गंगा नहीं है। मैं आज ही माजी के साथ डॉक्टर के यहां गई थी, वो कहते हैं कि पूरे दिन हो गए, आज कल में कभी भी हो सकता है। कितना बदनसीब हूं मैं, जब मेरी औलाद पैदा होगी तो मैं उसे देख भी नहीं सकूंगा। मैं नाम रखकर उसे
उसे यहां तुमसे मिलने जरूर लेकर। नहीं, नहीं, नहीं जमना, मैं नहीं चाहता कि मेरी औलाद को इन दीवारों का सहारा पड़े। चलिए टाइम हो गया, अपना ख्याल रखना जमना।